एंगुलर पोजिशन ऑफ डिफ्रेक्शन एट डिफरेंट डायफ्रेक्शन मैक्सिमम अदर देन सेंट्रल मैक्सिमा आर, यानी कि सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन पूछी है। तो सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, वो होता है ए साइन थीटा इक्वल्स टू, वो बनता है हमारा 2m प्लस 1 प्लस माइनस 1 लैम्डा ओवर 2, है ना। तो इससे मैच करा लो, तो ये ऑप्शन कौन सा बन रहा है, डी ऑप्शन बन रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, डी है। एंड डायफ्रेक्शन पैटर्न प्रोड्यूस बाय n पैरेलल स्लिट्स ऑफ इक्वल विड्थ एंड सेपरेशन द नंबर ऑफ मिनिमा बिटवीन द एडजेसेंट प्रिंसिपल मैक्सिमा। एडजेसेंट प्रिंसिपल मैक्सिमा, देखो एक मैक्सिमा ये बन गया, फिर ये ऐसे बनता है ना पैटर्न ऐसे, ये बन रहा है। तो ये प्रिंसिपल फर्स्ट प्रिंसिपल मैक्सिमा, फिर ये और इनके बीच में कितना बन रहा है, एक, यानी अगर n है तो उनके बीच में कितने बनेंगे, n माइनस 1, n माइनस 1। नेक्स्ट पे आओ, वीडियो में आगे कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG 2025 फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं मंजिल 2025 CUET PG और फिजिक्स एग्जामिनेशन। इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, साथ ही साथ 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये बैच अवेलेबल होगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही साथ अगर आप IIT जैम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं लक्ष्य IIT जैम 2025 बैच, जिसमें स्पेसिफिकली जो है वो क्लासेस रहेंगी, एक्सक्लूसिवली क्लासेस रहेंगी IIT जैम के लिए, और साथ ही साथ आपकी टिफर के जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी इसमें हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं श्रेष्ठा बैच, जिसमें आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी CSIR नेट एग्जामिनेशन 2024 दिसंबर और गेट 2025 एग्जाम की। और अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं CSIR नेट एग्जाम के लिए, जस्ट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए, उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं विजय श्री बैच, जो कि CSIR नेट, गेट और जस्ट एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ अगर आप टिफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। इस बैच में आपको 1200 प्लस क्वेश्चन, साथ ही साथ फॉर्मूला रिविजन भी कराए जाएंगे। ये सभी बैच आपको अवेलेबल होंगे निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज लिंक जो है इसका वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग के लिए जो लेंथ दी है वो दी है, कितनी दी है, 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर इज इल्यूमिनेटेड बाय अ लाइट विद टू वेवलेंथ 5997, ये 7 है आर्मस्ट्रॉन्ग एंड 6003 आर्मस्ट्रॉन्ग। मैक्सिमम साइज ऑफ ग्रेटिंग एलिमेंट डी, मैक्सिमम साइज निकालना है ग्रेटिंग एलिमेंट डी का इन म्यू एम रिक्वायर्ड टू रिजॉल्व द टू वेवलेंथ इन द फर्स्ट ऑर्डर में सॉल्व करनी है। देखो भाई, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है रिजोल्यूशन पावर का, डी लेमडा ओवर लेमडा, डी लेमडा ओवर लेमडा। यहां पर आपको क्या बोला गया है, डी लेमडा ओवर लेमडा की वैल्यू निकालनी है हमें, तो यहां से सबसे पहले हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये डिफरेंस निकालो। दो वेवलेंथ दिए, दो वेवलेंथ के लिए जो सेंट्रल वैल्यू हो गई, एक दिए 5997 और एक दिए 6003, तो ये कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएंगी 7 और 3 10 9 और 1 10 9 और 1 10 6 6 12, इसका हाफ कर दो तो ये कितनी हो गई, 6000 हो गई। ठीक है, तो एवरेज जो वेवलेंथ हो गई वो हो गई 6000 एवरेज वेवलेंथ। अ डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग ऑफ लेंथ 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर इज इल्यूमिनेटेड बाय अ लाइट ऑफ टू वेवलेंथ 6003। द मैक्सिमम साइज ऑफ ग्रेटिंग एलिमेंट डी रिक्वायर्ड टू रिजॉल्व द टू वेवलेंथ इन द फर्स्ट ऑर्डर में निकाल, तो यहां से आप निकाल लो लेमडा ओवर डी लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू तो आ गई कितनी, 6000। डी लेमडा मतलब क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, 6003 में से माइनस कर दो 5997, ये कितना बच जाएगा, 6 बच गया, इसको मैंने इससे डिवाइड कर दिया, तो यहां से कितनी आ गई, ये 1000 आ गई, क्या आ गई, 1000। तो रिजोल्यूशन पावर होती है एन इंटू कैपिटल एन, तो ये कितनी आ गई है, ये आ गई है हमारे पास 1000, है ना 1000। अब E प्लस D
जो है ई प्लस डी वो किसके बराबर होता है, एल अपॉन नंबर ऑफ जो लाइंस है या स्लिट्स है उसके बराबर होता है। तो एल का मतलब हो गया ग्रेटिंग लेंथ, ये किसके बराबर हो गया 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 2 मीटर, और नंबर ऑफ स्लिट्स जो है वो कितनी हो गई है 1000 हो गई, क्योंकि जो फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है तो स्मॉल एन की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ये कितनी हो गई 1000, तो ये हो गई 1000। तो यहां से ई प्लस डी की वैल्यू जो है मैक्सिमम साइज ऑफ ग्रेटिंग एलिमेंट, ये साइज आ गया इसका, तो ये किसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 2.5 इंटू 10 पावर माइनस 5, और म्यू में बनाना है तो ये बन जाएगा 25 μm। तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा, 25 μm। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना, और क्वेश्चन कैसे क्या है मैंने ये ध्यान रखना, मैक्सिमम साइज कंडीशन लगानी है, लेंथ अपॉन नंबर ऑफ स्लिट्स का। दिस क्वेश्चन सेज दैट मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 6.633 nm है falls on slit if angular separation between the first minima of intensity on either side of central maxima is 19.5 degree। ये पूरी जो width है आपको ये दी हुई है, कितनी दी हुई है 19.5, तो theta की value कितनी हो जाएगी 19.5/2, तो यहां से आएगा 9.7 degree। slit width निकालनी है, तो e sin theta minima की कंडीशन हो गई e sin theta equals to n lambda, n की वैल्यू 1 हो गई, तो e की जो वैल्यू हो गई वो हो गई lambda over sin theta, तो lambda over theta की वैल्यू कितनी है 9.7, तो 9.7 यहां डालेंगे, अब कैलकुलेटर है नहीं तो सॉल्व करोगे तो 3.7 μ। इस क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा चेंज ये हो सकता है कि जैसे 19.5 degree दिया है, तो ये कुछ आपको ऐसे बना के दे दे जिसमें साइन की वैल्यू आपको नोन हो, जैसे 60 डिग्री बना के दे दे, तो 60 का आधा करोगे तो 30 हो जाएगा, तो साइन 30 से फिर इसका आंसर डायरेक्ट निकले, इस तरह का क्वेश्चन इस पर बन सकता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है सपोज यू आर यूजिंग लाइट ऑफ वेवलेंथ 6250 आर्मस्ट्रॉन्ग इन कॉम्बिनेशन विद प्लेन डिफ्रेक्शन ग्रेटिंग विच हैज 1600 lines per cm, तो ई प्लस बी इक्वल्स टू होता है इसके लेंथ अपॉन क्या होता है नंबर ऑफ ग्रेटिंग्स, नंबर ऑफ ग्रेटिंग्स। तो ये कितनी दे रखी है 1600 lines per cm, तो लाइंस पर सेंटीमीटर है यानी कि आपको n बाय l की वैल्यू दे दी, तो ये हो गया 1/1600, ये वैल्यू गिवन हो गई, यहां से इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल जाएगा 6.25 μm। उसके बाद द अपर लिमिट ऑन द ऑर्डर ऑफ डायफ्रेक्शन मैक्सिमम ना, मैक्सिमम के लिए बात हो रही है तो ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, e प्लस डी अपॉन लैम्डा, तो e प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई 6.2 μm, और जो वेवलेंथ है वो कितनी है 6250 है गिवन, आंसर कितना आ जाएगा 10, करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, एन ऑप्टिकल टेलीस्कोप है उसकी जो आया है वो 2 mm है, बींग यूज टू ऑब्जर्व स्टार, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू स्टार्स, जो सेपरेशन है मतलब रिजोल्यूशन लिमिट की बात हो रही है, रिजोल्यूशन लिमिट, तो रिजोल्यूशन लिमिट का जो फॉर्मूला था वो कितना था, वो था 1.22 λ/a, तो 1.22 लैमडा की वैल्यू कितनी गिवन है यहां पर, वो वैल्यू गिवन है पाई वैल्यू, लैमडा ऑब्जर्व स्टार 4 है, 4 × 10⁻¹⁷ और अपॉन ये a की वैल्यू होगी 2 meter, तो ये कितना आएगा 10⁻¹⁷ meter, तो स्टार्स के लिए जो वेवलेंथ है 4 × 10⁻¹⁷ meter 4000 होना चाहिए इसमें लिखा हुआ, नहीं इसमें लिख, ये सेम क्वेश्चन है, और ये स्टार की आप लिख लेना वेवलेंथ, इसकी लिख लेना आप वेवलेंथ 4 × 10⁻¹⁷ meter इसे लिख लेना यहां। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये तो सेम क्वेश्चन है, अ नैरो बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 589.3 nm फॉर्म अ सोडियम लैंप इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग ऑफ ट्रांसमिशन टाइप, इफ द ग्रेटिंग कांस्टेंट इज 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 lakh per meter
ना 10 लाख पर मीटर दिया हुआ, यानी कि E प्लस D की वैल्यू दे दी। E प्लस D इक्वल्स टू होता है L अपॉन N, तो E प्लस D की वैल्यू आपको दे दी 1 अपॉन 10 पावर 6, तो ये हो गया 10 पावर माइनस 6। नंबर ऑफ प्रिंसिपल मैक्सिमम, तो N की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो किसके बराबर होती है, E प्लस D ओवर लैम्डा, तो ये वैल्यू तो कितनी होगी 10 पावर माइनस 6। और वेवलेंथ जो आपको दी है वो कितनी दी है 589.3 nm, n का मतलब हो गया 10 पावर 9। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1, इसका करेक्ट। तो वीडियो को छोड़ने से पहले बात कर लेते हैं हमारे रिजल्ट की। तो 2023 में मैंने ये कोर्सेज वगैरह स्टार्ट किए थे, तो 2023 की अगर मैं बात करूं तो CUET PG का मैंने पहली बार कोर्स स्टार्ट किया था, कुछ एक बच्चों ने IIT के लिए भी ज्वाइन किया था मुझे, तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स 2023 की मैं अगर बात करूं तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स जो है वो बिग फोर यूनिवर्सिटीज मतलब DU, JNU, BHU और HCU में सेलेक्ट हुए थे। इसके अलावा कुछ एक स्टूडेंट्स IITs में भी सेलेक्ट हुए थे, बाकी जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है लाइक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पांडिचेरी, उनमें भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए थे। अगर मैं बात करूं 2024 का अभी काउंसलिंग चालू है, चाहे वो IIT JEE की बात कर लें, चाहे हम CUET PG की बात कर लें, फिर भी अगर मैं अभी तक जो मेरे पास अपडेट है उसकी मैं बात करूं तो अभी तक DU का जो भी रिजल्ट आया है उसके अंदर DU के अंदर 5 स्टूडेंट अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं, 2 स्टूडेंट JNU के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 स्टूडेंट पंजाब में, 5 स्टूडेंट BHU में सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 पांडिचेरी में सेलेक्ट हो चुके हैं, इसके अलावा 4 से 5 स्टूडेंट जो हैं वो IIT JEE के थ्रू IIT बॉम्बे में, IIT दिल्ली में और IIT कानपुर में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं IIT JEE एग्जाम के लिए या CUET PG एग्जाम के लिए, तो आप ये ऐप जो है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा और जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आप इस ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप में आपको CUET PG के लिए 2 कोर्स मिल जाएंगे अभी, एक है विक्टर बैच जो कि 2024 का रिकॉर्डेड बैच है, जिसकी प्राइस 3800 रुपीज है, जिसके अंदर आपको जो थ्योरी सेक्शन है, क्वेश्चन सेक्शन है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, वो सब अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ इस साल के लिए अगर फ्रेश कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप मंजिल CUET PG 2025 ज्वाइन कर सकते हैं, ये बैच अभी रनिंग में है। इसके अलावा अगर आप IIT JEE 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो होपफुली ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।